हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस पर चर्चा करते हैं। वेबसाइट का नाम है screener.in। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि अभी करंट प्राइस 1463 रुपये है, मार्केट कैप 4400 करोड़, करंट प्राइस 1463, बावन वीक का हाई लो 1721 और लो है 1072, स्टॉक पी 35 का, बुक वैल्यू 521 का, डिविडेंड यील्ड 0.34%, ROCE 11.1% और ROE 8.32%, जिसका कि फेस वैल्यू 2 रुपया है। वन ईयर का प्राइस चार्ट जैसा कि दिख रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ये अपने वन ईयर का जो हाई है उसको ब्रेकआउट कर जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। इस शेयर में प्रोज एक और कॉन्स एक है। प्रोज क्या है तो कंपनी है रिड्यूस्ड डेब्ट, और कॉन्स डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 7.36% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पीयर कंपैरिजन के मामले में ये शेयर, जिसका कि शेयर प्राइस 1463 है, ये एक नंबर का कंपनी है, जिसका कि पीई 35.03 है। अब एक नज़र क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2024 के अनुसार, इसका सेल्स काफ़ी अच्छा वृद्धि की है, जो कि 708 करोड़ का हो चुका है, और एक्सपेंस वहीं पे 632 करोड़ का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76 करोड़ का। देखा जाए तो 100% की वृद्धि लगभग हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो काफ़ी अच्छा है इस शेयर के लिए। और अदर इनकम 9 करोड़ का है, इंटरेस्ट 4 करोड़ का पेड किया, डिप्रिसिएशन 4 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 55 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 18.47 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2024 के अनुसार, यानी कि वन ईयर का, तो सेल्स है 2324 करोड़ का, एक्सपेंस 2131 करोड़ का, अदर इनकम इसमें 21 करोड़ का है, डिप्रिसिएशन 22 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 172 करोड़ का, नेट प्रॉफिट जो कि 126 करोड़ का हुआ, जिसके वजह से EPS 43.07 रुपया, डिविडेंड पे आउट 0% है यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि screener.in वेबसाइट का नाम है, इस पे है। अब चलते हैं इसको बैलेंस शीट को देखते हैं। इक्विटी कैपिटल 6 करोड़ का, रिजर्व इसके पास में काफ़ी अच्छा है, जो कि एक समय मार्च 2018 में 313 करोड़ का था, वही अभी बढ़ करके मार्च 2024 में 1560 करोड़ का हो चुका है। ब्रोइंग मात्र 211 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी माना जाएगा इसको। अदर लाइबिलिटीज 412 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट भी इसका अच्छा खासा है, जो कि 206 करोड़ का है, और फिक्स एसेट भी है इसके पास, जो कि 343 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है कि प्रमोटर के पास में 74.19%, FIs के पास में 0.83%, DIs के पास में 4.88%, पब्लिक के पास में 20.10%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 97,862, जो कि जून 2021 में 25,130 था, वही बढ़कर के अभी 97,862 हो चुका है, यानी कि इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है।
इस शेयर में लास्ट अपडेट न्यूज 4 जून 2024 का है, जो कि अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तो इससे संबंधित है। अब एक नज़र डालते हैं BSEIndia.com वेबसाइट पे, तो लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस 1463.90 रुपये। इस शेयर का 14 जून 2024 का 1600 बजे का अपडेट है। डिलीवरी पोजीशन इस प्रकार है, क्वांटिटी ट्रेडेड 3194, डिलीवरी में उठाया गया 1568, परसेंटेज रहा 49.09%। तो एवरेज इसका परसेंटेज, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है। अब NSEIndia.com वेबसाइट पे देखते हैं इस शेयर का प्राइस, तो 1460 रुपये है। अभी भी इसमें सेल ऑर्डर लगा हुआ है 15 क्वांटिटी का, 1463.15 रुपये पे। एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, यानी कि जानकारी के लिए। लास्ट में सारांश में अगर बोला जाए तो यही कहा जा सकता है कि लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके साथ में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया जा सकता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम में पैसा बनने की उम्मीद नहीं है। अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों।